नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हैरी भारद्वाज व्लॉगर चैनल पर। और आज की जो वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि सभी हम लोग जैसे जो भी व्लॉगर्स हैं उनको एक प्रॉब्लम जो है सभी के सामने आती है, जो कि है कॉपीराइट क्लेम की। मोस्टली जो कॉपीराइट क्लेम वीडियोस पर आता है वो आता है कोई भी कंटेंट अगर हम ले लेते हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट होता है, तभी कॉपीराइट क्लेम वीडियोस पर आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कॉपीराइट क्लेम वीडियोस से हटाया जा सकता है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है, और गूगल क्रोम पर आपको लिखना होगा YT स्टूडियो। YT स्टूडियो लिखने के बाद आपको जो राइट साइड में थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उन थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। और नीचे जो डेस्कटॉप साइट का एक बॉक्स है उसको चेक करना है, और उसके बाद आपको YT स्टूडियो में साइन इन करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो अकाउंट है जिस पे कॉपीराइट हटाना है वो उससे आपको साइन इन करना है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो आइकन्स आएंगे आपके चैनल पर YT स्टूडियो के अंदर, वहाँ से आपको ये जो वीडियोस का आइकन है उस पर क्लिक करना है। वीडियोस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि फ़िल्टर का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, और उसमें से आपको जो चूज़ करना है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम करने पर आपकी ये वीडियो स्क्रीन पर इस तरीके से आपको दिखाई देंगे जिनके ऊपर आपका कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, अभी आपको करना क्या है कि जो कॉपीराइट क्लेम है उस पर आपको क्लिक करना होगा, और जब कॉपीराइट क्लेम पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर सी डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, देख लीजिए सी डिटेल्स। और सी डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ही वो डिटेल्स आएंगी कि किस वजह से कॉपीराइट क्लेम आपके वीडियो पर दिया हुआ है। तो इस वक्त जो मेरी वीडियो पर क्लेम आ रहा है वो आ रहा है एक म्यूज़िक क्लिप का, जो कि मैंने अपनी वीडियो में यूज़ की थी, उसी वजह से ही मुझे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। अभी आपको ये एक सिलेक्ट एक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, और सिलेक्ट एक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको ये तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे कि इसमें आप ट्रिम कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं सॉन्ग को, और म्यूट कर सकते हैं सॉन्ग को, यानी कि ये जो भी ऑडियो क्लिप आपने यूज़ किया उसको आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके आप अपनी कॉपीराइट क्लेम वीडियो से हटा सकते हैं। तो अभी मैंने चूज़ किया है रिप्लेस सॉन्ग का। जब आप रिप्लेस सॉन्ग करेंगे तो आपको यूट्यूब की तरफ से बहुत सारे फ्री ऑडियो क्लिप्स आपको ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी आप प्ले कर सकें करके चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके कॉपीराइट कंटेंट को रिप्लेस कर देगा। और ये देख सकते हैं कि आप यूट्यूब आपको पूरी तरह से इसको एक आसान बनाया हुआ है, आपको वही पोर्शन आपको दिखाई देगा जिस पोर्शन में या जिस टाइम पर आप की वीडियो पर जो कॉपीराइट म्यूज़िक है वो लगा हुआ है। तो यहाँ से एडजस्टमेंट करके आप नए ऑडियो क्लिप्स को वहाँ पे यूज़ करके, और जो सेव का ऑप्शन आप देख रहे हैं वहाँ से इसको आप जब सेव कर देंगे तो जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस तरीके से जो कॉपीराइट क्लेम है वीडियो पर उसको
हटा पाएंगे। और उसके बाद एक दूसरा जो मेथड है उसके लिए भी सेम आपको प्रोसेस यूज़ करना है। फिर से कॉपीराइट क्लेम पर जाना है और अपने वीडियोस जो कि कॉपीराइट क्लेम में मोनेटाइज नहीं हो पाई हैं उस पर कॉपीराइट क्लिक करना है। और फिर से आप देखेंगे कि आपको जो ये ऑप्शन आया है उसमें आप म्यूट सॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हैं। म्यूट सॉन्ग करने से क्या होगा कि आपका जो कॉपीराइट क्लेम का जो कंटेंट है वो उस जगह से म्यूट हो जाएगा, यानी कि जो आपका वीडियो है उस पर जिस जगह वो कॉपीराइट क्लेम का म्यूज़िक आपने यूज़ किया था वो वहाँ से म्यूट हो जाएगा। ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं और इस मेथड से भी आपका जो कॉपीराइट क्लेम है वो वहाँ से हट जाएगा और आपकी जो वीडियो है वो फिर से एलिजिबल हो जाएगी मोनेटाइज होने के लिए। तो ये ऑप्शंस चूज़ कर कर आप अपने वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इजी ट्रिक है जिसके थ्रू आप कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो है उसी कंटेंट को यूज़ करें जो कि YouTube पर फ्री म्यूज़िक होता है। दोस्तों अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हैरी भारद्वाज व्लॉगर चैनल।